आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये हेयर फॉल की, हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ये एक जंबो जेट कह सकते हैं, प्रोटीन पैक एक मास्क मैं बताने जा रही हूँ। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल तो करेगा ही, उसके अलावा ये आपके बालों को शाइन देगा और जो आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। डैंड्रफ की जितनी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको ये ख़त्म करेगा। और ये आपके जो ग्रे हेयर की आजकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, बच्चों में भी ग्रे हेयर एकदम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ये ग्रे हेयर को स्टॉप करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा बाल्डनेस और जो एलोपेशिया के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट रेमेडी है ये। और अब जो ये मानसून का सीज़न आ रहा है उसमें तो बाल सभी के ऑलमोस्ट झड़ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। लास्ट टाइम भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी हेयर फॉल की, तो मैंने कई जगह मैं गई डॉक्टर्स वगैरह के, एलोपैथिक होम्योपैथिक कई जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट मुझे कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। तब उसके फिर बाद मैंने ये इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, तो आई एम श्योर आपको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं, तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो देखिए ये मैंने क्या लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, मैं इसमें ये लौंग यूज़ कर रही हूँ, चार मैंने लौंग ली हैं। एक्चुअली लौंग का काम क्या होता है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है लौंग, और जो स्किन की जितनी भी स्कैल्प में जो इन्फेक्शन या इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। तो चार मैंने लौंग ली है। फिर उसके बाद देखिए ये मैंने इसमें लिया है मेथी दाना, 3 टेबल स्पून ये मेथी दाना है, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर मैंने ये नाइजीरिया सीड्स भी मैंने मिलाई हैं, ये कलौंजी जिसको बोलते हैं, 3 टेबल स्पून कलौंजी है। इनको मैंने रात को ही सोक करके रख लिया था जिससे कि अच्छे से ये फूल गई हैं, और इसका जो पानी है वो मैंने फेंका नहीं है, वो हमें मास्क में यूज़ करना है। और जो ये लौंग जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने इसमें ही सोक करके रखी है, वो मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ रखी हुई है, अदरवाइज़ लौंग भी मैंने इसी में भिगो दी थी। तो एक तो हमारे ये हो गए हमारे। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर मैंने यहाँ देखे दिखाती हूँ मैं आपको, एक मैंने लेमन लिया है, लेमन को छील लिया है, इसकी स्किन को उतारा नहीं है, इसकी स्किन को एज इट इज़ रखा है। इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, विटामिन सी होता है, आपने देखा होगा अचार जब नींबू का डालते हैं तो उसके अंदर भी हम स्किन के समीते डालते हैं, ये तो गल जाता है, स्किन ही हमारे मतलब काफ़ी इसमें गुण होते हैं। तो एक लेमन लिया है, लेमन हमारे बालों को शाइन देता है और स्कैल्प को हमारे साफ भी रखता है। उसके अलावा फिर मैंने ये करी लीव्स ली हैं, ये मैंने 20 करी लीव्स के मैंने ये पत्ते लिए हैं। करी लीव्स साउथ इंडियन लोग आपने देखा होगा बहुत यूज़ करते हैं अपने खाने में, और तेल भी उनके होते हैं। करी लीव्स का काम क्या होता है कि ये न्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अच्छा कंडीशन देता है बालों को, तो ये करी लीव्स ली हैं। फिर मैंने ये एक पूरा मीडियम साइज़ का ओनियन लिया है, ओनियन को मैंने चॉप कर लिया है ऐसे करके। ओनियन तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ओनियन में सबको पता ही होगा कि सल्फर बहुत ज़्यादा होता है ओनियन के अंदर, और जो एलोपेशिया के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ये यूज़फुल होता है, जहाँ जब बाल झड़ते हैं तो उसके बाद जो सर में एक पैचेस से आ जाते हैं, तो उसमें भी अगर आप खाली ओनियन का जूस लगाएंगे कॉटन से लेकर तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने ये एक ओनियन लिया है। उसके बाद फिर देखिए ये मैंने हनी लिया है, 2 टेबल स्पून हनी है, हनी मैंने बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग देगा। उसके बाद फिर मैंने ये लिया है, यहाँ पे योगर्ट है घर का जमा हुआ दही, ये भी 2 टेबल स्पून योगर्ट है। ये ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, आप इसमें कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप जो भी तेल लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया या तिल का तेल या फिर कोकोनट, जो भी लगता है, एनी काइंड ऑफ ऑयल यू कैन यूज़, ये मैंने ये लिया है ऑलिव ऑयल। उसके बाद ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल में तो बहुत अपने ही बहुत सारे गुण होते हैं, बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये यूज़ करा है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आपको ये रेमेडी 2 पार्ट में बनती है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाना कैसे है। ये देखिए इसको हमें जार में ले लीजिए, मिक्सी जार में मैंने इसको डाल दिया है, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, इसके पानी भी मैंने इसी में ही डाल दिया है, और इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है।
ये मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें करी लीव्स डाल रही हूँ मैं सारी, अच्छे से वॉश करके रख लेनी है आपको। उसके बाद फिर मैं ये चॉप ओनियन डाल लूँगी। अच्छा एक बात बता दूँ, मुझको इसमें आप ना आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आंवला मुझे मिला नहीं मार्केट में, मैंने 2-3 दिन तक वेट किया बट मुझे मिला नहीं, और वीडियो भी मेरा लेट हो रहा था तो मुझे लगा कि चलो मैं बना दे। अगर आपको मिल जाए आंवला तो आप आंवला इसमें ज़रूर डालिएगा, वो बहुत अच्छा होता है। ये मैंने एक नींबू भी डाल दिया है अपना, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लौंग इसमें मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो अब मैं इसको हम क्या करेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मैं पेस्ट बना के फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी देखिए, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। देखो ये बिल्कुल फाइन पेस्ट एक बन चुका है ये। अब इसका क्या हमें बेनिफिट है मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरह से आपका पैक का बेस तैयार हो गया है, ठीक है। आप इस पेस्ट को फ्रिज में एक हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी ग्लास जार में, और जब आपको ये लगाना हो तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे बालों की जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ है, तो मैं इसको 3 टेबल स्पून लूँगी, ठीक है जी। ये मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और बाकी जो ये मेरा पेस्ट है इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, नेक्स्ट जब मैं लगाऊँगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैं इसमें हनी मिक्स करूँगी। ये हमें तब करना है जब हम इसको यूज़ करेंगे पैक को। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ये देखिए, ये हमें यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये यूज़ करते टाइम हमको ये डालने हैं इस पैक में। ये योगर्ट डालना है, योगर्ट डाल दिया मैंने। उसके बाद ये मेरा ऑलिव ऑयल है, ये डाल दिया। इसके अंदर ये याद रखना है कि आपको ना ऑयल कम यूज़ करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें। कभी आप सोचो कि ज़्यादा डाल लें, ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी रखनी है। और ये मैंने डाल दिया एंड में एलोवेरा जेल। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं है बट वो भी अच्छा होता है स्किन के लिए, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो अब ये मेरा लगाने के लिए रेडी हो चुका है पैक, ठीक है जी। अब मैं इसको लगाना कैसे वो बताती हूँ। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छों में निकल रहे हैं लंबे लंबे ना, तो वो क्या करें, इसको डेली कंटिन्यू 3 दिन तक लगाएं कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद आप इसको 1 घंटा रखिए लगा के, जैसे मेहंदी लगाते हैं सर में रूट से लेके और आपको एंड तक लगाना है इसको। जैसे मेहंदी लगाते हैं ना बालों में, अंदर जड़ों में लगा के और फिर लंबा लंबा लेंथ लेके, उस तरह से इसको, ये देखिए मेरा कैसा पेस्ट तैयार हो गया ये। तो आपको ऐसे लगाना है और आपको 3 दिन तक लगातार लगाना है। उसके बाद आपको एक शैम्पू यूज़ नहीं करना, वॉश सिर्फ खाली पानी से आपको धोना है सर। 3 दिन तक आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर पहले ही सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी, स्कैल्प आपकी क्लीन रहेगी, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी शैम्पू की। और फिर उसके बाद आप हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं इसे, ट्वाइस इन अ वीक। और आप देखिएगा, ट्रस्ट मी, आप 3 दिन तक इसको लगाइएगा और आप फिर मुझे बताइएगा, आपको 3 दिन में ही फ़र्क नज़र आएगा। बाल आपके जो गुच्छों में झड़ रहे थे ना, निकल रहे थे, आपको एकदम से लगेगा कि कुछ हुआ है आपके बालों में। रिज़ल्ट आपको 3 दिन में ही डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार लगाइएगा इसे। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, तो आप इसको लगाइए, यूज़ करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा। और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आती हूँ कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।